सर वेल दोस्तों, शुरुआत करते हैं जहां जाते हैं छा जाते हैं। चलो मित्रों, फटाफट स्टार्ट करते हैं। अच्छा खासा ब्रेक हो गया आप लोगों का, कैसा एक बैच भी हो गई बीच में, तो उसके बाद में आप बड़े ऐसे चार्ज हो जाते हो गए, है ना? बोलो ना, कोई आवाज नहीं दे रहा, सब नाराज है क्या रे मेरे से? बोलो ना। हाँ सर, हाँ, मेरे से नाराज है? फिर नाराज नहीं है, कुछ नहीं सर, नाश्ता कर लिया ज्यादा तो अब ज्यादा नाश्ता कर लिया साले। चलो अलग। स्टार्ट करते हैं। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे डेरिवेटिव का, डी डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू दी पावर एन क्या होते रहता, एन इंटू एक्स रेस टू दी पावर एन माइनस वन। डी डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इज जीरो, डी डी एक्स ऑफ एक्स इज वन, डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स इज वन बाय एक्स, डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स इंटू लॉग ऑफ ए टू द बेस ई, है ना? डी डी एक्स ऑफ ई रेस टू दी पावर एक्स इज ई रेस टू दी पावर एक्स, डी डी एक्स ऑफ ए रेस टू दी पावर एक्स इज ए रेस टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए टू द बेस ई, डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज वन अपॉन टू रूट एक्स, डी डी एक्स ऑफ वन बाय एक्स इज माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इंटू एफ ऑफ एक्स इज कॉन्स्टेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। राजा 25 किलोमीटर दूर क्यों जा रहा तू? यहीं पे आना, बैठना चुपचाप। ए इधर आ, इधर आ साले। होले 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 होले, 10 का डजन, 10 का डजन। क्यों बे? हाँ, चलो ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आप मुझे बताएं, आज बहुत अंगार बात देखने वाले थे हम। मैंने पहले ही बोल दिया था, मैं जो वेट किया ना, इसी के लिए वेट किया कि सारे बच्चे आ जाए, फिर भी पार्टिसिपेंट इतने ज्यादा नहीं है। बट कंसेप्ट जो है ना, ये नया है। अब मुझे आपका 100% कॉन्सेंट्रेशन लगेगा, समझाना? बोलो ना, हाँ या ना? हाँ। ओ शाकाल, है ना? सब बढ़िया ना बेटा? हाँ। क्या बे साले, बहुत मार खाएगा तू? 25 पहले बोल दे रहा तेरे को। हाँ, आप मुझे बताए, डी डी एक्स ओ पहली इंटू दूसरी, डी डी एक्स ऑफ पहली, अबे बोलो ना, इनटू दूसरी, अच्छा कैसा हो जाता है? पहली को बाजू से रखो, इनटू दूसरी डेरिवेटिव ऑफ दूसरी प्लस, इनटू रेडियस ऑफ पहली, दूसरी को बाजू से रखो, इनटू डेरिवेटिव ऑफ पहली। क्या बोलते रहते इसको? प्रोडक्ट रूल। सही है गलत है बोलो सही है सर। सारे लोग, हाँ या सर ना? सही है सर। तन्वी हाँ सर कपाड़े, सही है। जिया हाँ राजा, समीक्षा जाजू, श्रद्धेश चांडक, अरे बोलो ना, कोई बोलते नहीं हो। हाँ सर सही है। एग्जाम्पल नंबर 91, है ना? कैसा रे? हाँ, शादी करने की उम्र आ गई है, अभी तक चाबी को संभाल नहीं पा रहा, कैसा होगा इसका, है ना? आगे तो सिचुएशन गंभीर है। चलो, हाँ सारे लोग सुनो रे, एक ऐसा ही आसान सा एग्जाम्पल लेते। वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू ई रेस टू दी पावर एक्स। क्यों रे, मास्क भी मैचिंग मैचिंग पहनते क्या आप लोग? जमाना खराब है ना? एक्स इंटू ई रेस टू दी पावर एक्स,
बताओ रे क्या करेंगे इसमें, कैसा सॉल्व करेंगे? एक्स को बोल देंगे पहला फंक्शन और ई रेस टू दी पावर एक्स को बोल देंगे दूसरा फंक्शन। सही है गलत है बोलो रे? सही है सर। डी सही है सर। हाँ डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू जो पैसा नहीं डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस डोक्याला हाथ नहीं लावायचा ताई है ना प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। सही है गलत है बोलो रे? एकदम सही है सर। श्रीतेज देशमुख जयेश जारी है ना पीयूष सिंधी रेलवे सर। हाँ बराबर ना सही है ना? हाँ हाँ चलो आगे डिस्कस करते हैं। तो आप ही मुझे बताओ फर्स्ट फंक्शन एक्स इंटू ई रेस टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? ई रेस टू दी पावर एक्स। अबे बोलो ना हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर है ना प्लस e raise to the power x as it is x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? 1। अल्टीमेटली आंसर क्या है? x into e raise to the power x plus e raise to the power x। अब मेरे को मालूम है दो चार लोग मेरे को बोलेंगे सर e raise to the power x को कॉमन लेना चाहिए ना सर? जैसी आपकी इच्छा है ना। आपकी बात सर आंखों पे है ना। e रेस टू दी पावर एक्स को कॉमन ले लो एक्स और यहाँ वन। सही है आया समझ में? हाँ सर। कोई खास बात है क्या इस क्वेश्चन में? अब आप ही बताओ मुझे। नहीं सर। कुछ नहीं सर। हाँ बिल्कुल नहीं बट एकदम आसान। ओ सुबह कहाँ गया था साले? था क्या रे? मोबाइल देखा ना तू? अब इधर आ जा। चल उठ जा यहाँ पे बैठ पहले बेंच पे। एक मिनट के अंदर बहुत मार खाएगा। पहले बेंच पे बिल्कुल। हाँ और अब मोबाइल पे मेरा ऐसा ध्यान रहेगा तेरे ऊपर। तेरी जगह फिक्स बिल्कुल। अगर तू आएगा तो यहीं पे बैठेगा नहीं तो आएगा ही नहीं है ना। हाँ तो कल ही आपने किस्सा बताया आज वो भी गए। क्या क्या रे सर? आपने कल किस्सा बताया ना मोबाइल का आज वो भी गए। कल मैंने मोबाइल का क्या किस्सा बताया रे? सर मेरे को बताया सर मैं आया था ना। अरे हाँ तू आया था बराबर है। तेरे को मैं तेरे को मालूम है क्या वो गजनी मूवी देखा है क्या तूने? नहीं था सर। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की बीमारी है बेटा मेरे को। हाँ चलो आगे बड़बड़ करते है। एग्जाम्पल नंबर 91 के बाद में एग्जाम्पल नंबर 92। सर आप पढ़ाते कम हो भकाल्या ज्यादा करते हो है ना? बराबर बोला ना मैंने? द एप्रोप्रिएट वर्ड भकाल्या है ना। भकाल्या y इज इक्वल्स टू ट्वाइस एक्स इंटू ई रेस टू दी पावर एक्स। बताओ रे किसको बोलते पहला फंक्शन? 2x है ना। ऐसा जरूरी है क्या 2x को ही पहला फंक्शन बोलना चाहिए? अहा है ना। मेरे मन को भाया मैं कुत्ता काट के खाया। तुम पागल हो जाओगे बोलेंगे साले को कहां से उठा के लाया रे। और कोई मिला ही नहीं क्या पढ़ाने के लिए? हाँ अच्छा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है ना। आइडियली लिखना चाहिए क्योंकि आपके फिर फाइनल एग्जाम में भी आएगा ना। अभी से आदत डालेंगे तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फाइनल एग्जाम में तो एकदम परोस के देने का है ना। वो वैल्यूअर को बोलना आ ले। समझ में आ रहा है ना?
क्या बड़बड़ कर रहा हूं मैं, कुछ जा रहा है क्या दिमाग में? हाँ सर, डी वाई बाय, हाँ बस बस वो उत्ता अंडरस्टैंड है, उत्ता यानी वो फेमस चीज है, वो उत्ता चलता, लिख लिया वही काफी है ना ना। हाँ, डी वाई बाई डी एक्स। एक दोस्त यहां मुझे पूछ रहा कि ये विथ के जगह सिर्फ डब्ल्यू लिखा और आर के जगह यानी रिस्पेक्ट के जगह सिर्फ आर लिखा तो ऐसा चलेगा क्या सर? तो एग्जाम में भी ऐसा लिखा तो बिल्कुल चलेगा, है ना? आपको किसको रिस्पेक्ट देने का, उसको भी आर बोल दिया तो भी चल जाएगा, ठीक है ना? अबे बोलो ना, कुछ बड़बड़ नहीं करते, कुछ नहीं करते बच्चे। में क्या सर? फर्स्ट फंक्शन ई रेस टू दी पावर एक्स, उल्टा लिया हमने पर्पसफुली यहां पे, है ना? फर्स्ट फंक्शन ई रेस टू दी पावर एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन ट्वाइस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, है ना? होशी कोटक सही है क्या? केदार गावंडे, प्रणय काड़े बोलते भी नहीं बच्चे, सही है सर, बदमाश है बच्चे। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ ट्वाइस एक्स यानी टू, अरे बाप रे डर गया था मैं, 2x into derivative of e raised to the power x is e raised to the power x। सर वो e raised to the power x अच्छा नहीं लग रहा हमको, दोनों जगह पे है तो कॉमन लेने का क्या सर? ले लो ना। अच्छा, ये e raised to the power x दोनों जगह पे है, 2 भी तो दोनों जगह पे है सर, 2 को भी कॉमन लेने का क्या, ले लो, है ना? अपने क्या जा रहा है ना, तो बचा क्या फिर यहाँ पे, बोलो ना। वन प्लस एक्स, वन प्लस एक्स, किस्सा खत्म, सही है ना? एग्जाम्पल नंबर 93 लिख लिया ना आपने, लिखने का है। टू कैसे कॉमन लिया बोलो? हाँ सर, टू कैसे, टू कैसे कॉमन लिया, है ना? हाँ सर, ये यहाँ पे टू है, हाँ सर, यहाँ पे भी टू है, हाँ सर, बस ले लिया कॉमन। अरे जिस तरह से e raise to the power x दोनों जगह पे है, आप ही बताओ ऐसा हम लोग कर सकते क्या? Twice x plus thrice x, twice x plus है ना, twice x plus suppose करो यहाँ पे x इंटू एक्स इंटू वाई, आसान कर देता हूं, तो क्या हम एक्स कॉमन ले सकते? यस, वाई प्लस, हाँ सर, ले सकते ना, ठीक है ना? वैसे ही। और अच्छा, यहाँ पे अगर ऐसा रहता था साथ में तो ये एक्स के जगह पे यहाँ पे ऐसा रहता था कि टू एक्स और यहाँ पे भी टू एक्स, तो ये टू एक्स भी कॉमन ले सकते थे क्या? सर, है ना? बस ऐसा ही तो है, ये टू हमने कॉमन ले लिया और ई रेस टू दी पावर एक्स भी कॉमन ले लिया, यानी ये पूरी टर्म और यहाँ पे ये टू और ये ई रेस टू दी पावर एक्स, इसको कॉमन ले लिया, ठीक है ना? हाँ सर, है ना, ले सकते बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है वो। अरे बाप रे, ऊपर वाले सच्ची उम्र हो गई रे। हाँ, तो ये रिकॉर्डिंग चालू है, पॉज है, क्या है, चालू है रिकॉर्डिंग, तो मैं लंबा खींच लिया, फिर लिख लिया होगा आपने। अब आगे बढ़ते हैं, y इज इक्वल्स टू, y इज इक्वल्स टू x इंटू log ऑफ x, y इज इक्वल्स टू एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स। बताओ रे, ये पहला फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है, तो फिर डी मैं लिख लेता हूं, यार आदत डालना है अब आपको, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बोलो ना। dy by dx is equals to
फर्स्ट फंक्शन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन लॉग ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स. सही है? हाँ सर. हाँ तो डी वाई बाय डी एक्स एक्स इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाय एक्स लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज वन. अरे सही है गलत है बोलो. सही है सर. एक्स एक्स कैंसल. डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस लॉग एक्स हेच आमच उत्तर. कबूतर सिद्धि ए सिद्धि सिद्धि सोडंके. यस सर. आज वाढदिवस कोणाचा आहे रे? एना गुप्ता. सिद्धि आपका तो नहीं है ना? नहीं सर. एना ताई है क्या फिर क्लास में? हाँ. है क्या एना ताई? एना ताई नहीं आहे मग वाढदिवस ही कैंसल. हाँ चलो लिख लिया क्या आपने बोलो. एग्जाम्पल नंबर 94. सांगा 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 वाई इज इक्वल्स टू एक्स इंटू टू रेस टू द पावर एक्स. बराबर बोला ना मैंने? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. अक्सर बच्चों को एक बार समझ में आ गया तो बोलते तू तेरा देखता रहे खत्म काम. अब हम करते कोई लेना देना नहीं है ना अपने टीचर को सपोर्ट करना वगैरह. डी वाई बाय डी एक्स बोलो रे. फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड इनटू. अरे वो ताई दिख नहीं रही आजकल कौन सी वो दिशा ताई दिशा मालवीय. अच्छा है क्या ताई? हाँ फर्स्ट फंक्शन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन. बराबर लिखा ना मैंने बोलो ना. एक्स इंटू टू रेस टू दी पावर एक्स का ए रेस टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या रहता बोल. पावर एक्स इंटू ए रेस टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए टू द बेस ई टू रेस टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ टू टू द बेस ई 2 raised to the power x as it is into derivative of x is 1. हाँ. अब काय करायचं सांगा ना. कॉमन लो. 2 raised to the power x कॉमन x into log of 2 to the base e plus 1. सही है? Yes sir. शंबर टक्के सही है. लिख लिया होगा तो मैं स्लाइड चेंज करूं. यस सर. सर आप स्लो हो हमने तो पहले ही कर लिया है ना. यही बोलना है ना आपको? नो सर. बोलना तो है सर लेकिन कैसा बोले करके. हाँ अब बताए रे सारे लोग अब बताए आप मुझे डी. अरे तेरी तो केबल परेशान कर रहा है. हाँ वाई इज इक्वल्स टू काट डालो. हाँ काट डालो बम. साले एक से बढ़ के एक है यहाँ पे. रूट एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 3. ज्यादा हेवी हो रहा है क्या?
कृति वल्लभ वार, सोमवार मंगलवार बुधवार, तृप्ति वल्लभ वार, बराबर ना ताई? क्या सुनते भी नहीं है लोग मेरा, है ना, जमाना खराब है। विनीत इसरानी है ना बेटा क्लास में? हाँ सर। हाँ है। चलो बताए रे, फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन, है ना, रूट एक्स को बोल देंगे पहला और लॉग ऑफ एक्स को बोल देंगे दूसरा। हाउ कि नाउ बोलो रे, हाउ डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएट। अच्छा हाँ, मेरी गलती ना बाबा, बम सबके सब भिड़ गए थे, है ना। हाँ? नहीं नहीं नहीं, ज्यादा नहीं बापू। हाँ अबे रजिस्टर मैरिज तो करवाना पड़ेगा, डायरेक्ट अगर इतना शॉर्टकट लेके भग गया तो थोड़ी चलता। हाँ डिफरेंशिएट, शर्मा गया वो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अरे बाप रे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना, बताओ रे। डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, सर लॉग ऑफ थ्री टू द बेस थ्री है ना, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सही है? सर रूट एक्स एज इट इज, लॉग एक्स का डेरिवेटिव, देखो लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए का डेरिवेटिव क्या होते रहता, वन अपॉन एक्स इनटू लॉग ऑफ ए टू द बेस ई। सही लिखा ना मैंने? हाँ सर। हाँ सर। ओ सर। प्लस लॉग ऑफ एक्स टू द बेस थ्री जैसा का वैसा, है ना। हाँ रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होते रहता, वन अपॉन टू रूट एक्स, किस्सा खत्म। हाँ तो ध्यान में आ रहा है ना आप लोगों को? अब आइडियली इसको और भी सॉल्व कर सकते, लेकिन मेरा एम अभी, मेरे को वो ज्यादा सॉल्व करना वगैरह मेरे दिमाग में ही नहीं, मेरे दिमाग में है कि डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट मस्त घुस जाने चाहिए अंदर, बिल्कुल नसा नसा आते एकदम, समझ में आ रहा है ना? आगे कैसे सॉल्व करेंगे? आई बोला रही है? हा हा, चलो हो गया ना, आगे बढ़ू ना? आदेश पवार साले पढ़ाई वढ़ाई करता बे तू? नहीं सर। आदेश पवार, आदेश पवार आवाज आ रही मेरी? हाँ सर। हाँ सर। हाँ पढ़ाई वढ़ाई चल रही ना बराबर बेटा? हाँ सर। अब आगे y इज इक्वल्स टू, y इज इक्वल्स टू संगरे 2 रेस टू द पावर x इनटू y इज इक्वल्स टू 2 रेस टू द पावर x इनटू x रेस टू द पावर 2। अरे टीचर तो आता कसो, कोई खास बात है क्या इसमें? आसान है सर। हाँ आसान है सर, लिखना पड़ेगा ना बाबा, डिफरेंशिएट नहीं लिखा तो कुछ लोग इतने भड़कते ना मेरे आंग पे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा ही लिखना पड़ता क्या? हाँ ऐसा ही लिखना पड़ता, रिस्पेक्ट टू एक्स पूरा लिखेगा तू, डब्ल्यू आई टी एच, है ना, आर ई एस रिस्पेक्ट पूरा वो लिखेगा तो भी चलेगा, लेकिन सालों से परंपरा ऐसी चल रही बेटा, और हम परंपरा पे पूरा विश्वास रखते हैं, क्यों रे? सही है ना? साले बोलते ही नहीं है, गिनते ही नहीं रहे अपने टीचर को, जमाना खराब है। बताओ रे, फर्स्ट फंक्शन टू रेस टू द पावर एक्स
इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 2 raised to the power x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो रहा है बोलो ना, ट्वाइस एक्स, 2 into x raised to the power 2 minus 1, है ना। तो अब आगे से ध्यान रख लो, स्क्वायर दिख गया एक्स स्क्वायर, कि अब वो फार्मूला भी रिकॉल करने की जरूरत नहीं, 2x ऐसा भड़कन बाहर आना चाहिए, है ना। बोला एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या, 2x, समझा ना। प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज 2 raised to the power x का डेरिवेटिव काय, a raised to the power x का डेरिवेटिव a raised to the power x इनटू लॉग ऑफ a to the base e। अबे बोलो ना, अब यहां पे ट्वाइस एक्स इंटू 2 raised to the power x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2 raised to the power x इंटू लॉग ऑफ 2 to the base e, ठीक है। फास्ट हो रहा क्या, नहीं सर स्लो हो रहा, बुलेट ट्रेन मीडियम हो रहा सर, मीडियम हो रहा, प्लेट प्लेट हो रहा यानी स्लो हो रहा, मालगाड़ी मालगाड़ी गाड़ा गाड़ा चलो बुलेट ट्रेन हाँ चलो मैं करूं स्लाइड करूं क्या चेंज, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है दिशा, काकड़ है दिशा ताई, यस सर, क्यों रे तेरे को गुस्सा तो आता होगा मेरा, है ना, नहीं आता सर, आता भी तो क्या करूं सर, एक बार ये खत्म हो जावे ना सर बस फिर तो खर्चा पानी, हाँ खर्चा पानी नहीं, दिशा भाई तू खर्चा पानी देंगी क्या मेरे को, नो सर, मानदर से खुशी तो उसको भी हो रही है ना, चांस मिल जावे तो दे ही तू बोले, हाँ वाई इज इक्वल्स टू बताओ रे, वाई इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स इंटू 1/x, वाई इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स इंटू 1/x क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मंजे वाघाचे पंजे, कुत्र्याची कान, उंटाची मान, सर एक्शन एक्शन, अरे हाँ एक्शन भूल गया था मैं, ये पहली और ये दूसरी, फर्स्ट फंक्शन लॉग ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1/x प्लस सेकेंड फंक्शन 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ एक्स एज इट इज 1/x का डेरिवेटिव, आराध्य बोल जल्दी, आराध्य फुजेल जल्दी बोल, 1/x का डेरिवेटिव, फुजेल आराध्य, हाँ सर 1/x का डेरिवेटिव -1/x2, एकदम आपको फार्मूले याद करना है, रोज हम तो रिकॉल कर ही रहे, उसके अलावा आप ध्यान दो, बिना फार्मूले के डेरिवेटिव नहीं जमता, सारे लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है समझो ग्रेविटी को मैं जो बोल रहा हूं वो, है ना, अगर फार्मूले याद नहीं रहे तो आपका ब्रेन वही उसी चीज पे लग रहा है फार्मूले को याद करने पे, और अगर फार्मूला याद है तो आपका दिमाग आगे की चीजें सोचने पे लग रहा है, और हमको आगे की चीजें सोचना है, फार्मूले में अटक के नहीं रहना है ना, फार्मूले ऑन टंग चाहिए, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाता बोलो, 1/x, 1/x सही है गलत है,
साइज। हाँ चलो आप लोग क्या करना, आप सुरक्षित अंतर ठेवून बसायचं। पहला बेंच क्या रहेगा, रिजर्व रहेगा कुछ बॉयज के लिए, स्पेशल कैटेगरी ऑफ बॉयज के लिए, और फिर सुरक्षित अंतर ठेवणार तुम्ही एका बेंचचं आणि त्यानंतर बसणार उद्यापासून, है ना। जिसने ज्यादा खलबली किया कि उसको मैंने यहां बैठा दिया, समझा ना, है ना, खलबली है, ऐसा ऐसा ही बोल रहा ना तू, है ना, है ना, खलबली हो गया है दिल। हाँ बताओ रे, सब तुम घर पे क्या बोलोगे रे कि हमारे सर खलबली करते हैं, है ना, ऐसा है, बताना क्या है सर, देखते ही पेरेंट्स साला ये तो बराबर है सर। हाँ सर, हाँ सर, आते आते देखते हैं, सही बोला सर वो, देखते सर, उनको भी पता है सर कि ऐसा ही चक्कर के है ना। नहीं सर, वो भी आपकी खली वाली देखते। चलो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 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 97 के बाद में 98 एक क्वेश्चन आया यहां से कि सर शादी के पहले भी आप ऐसे ही थे क्या, क्या बताऊं अब मैं, शादी के पहले मैं बहुत ज्यादा डेंजर था, यानी इससे भी अंगार था, अब थोड़ा सा औकात में आया मैं शादी होने के बाद में, ऐसा लगने लग गया मेरे को कि मैं बड़ा हो गया करके, है ना। मेरा सबसे जबरदस्त समय बचपन में भी मैंने फुल एंजॉय किया, फुल मस्तिया, और जो एक व्हाट वी से जो यंग वाला मजा लेना चाहिए वो मैंने लिया, यानी जो पोटेशाही अपना जो रहता पूरा फुल फ्लेज, वो बीएससी में, बीएससी के 3 साल में तो आहा जानदार ये गैदरिंग था। सर को अटेम्प्ट छोड़ना पड़ा था, क्या चीज, इसलिए राम सर को अटेम्प्ट रोकना पड़ा था। हाँ बारहवीं का, बारहवीं में मेरे को फिजिक्स के लिए, मैथ्स तो मैं संभाल लेता था, फिजिक्स पढ़ता नहीं था, तो राम सर ने फिजिक्स का मेरे को पढ़ाया था कुछ, ग्रेजुएशन की बात, मैं उसकी भी आगे की बात कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन में गैदरिंग था एक बार, हम सेकंड ईयर में थे, सब लोग डांस कर रहे, हम भी डांस कर रहे, तो वो प्रिंसिपल थे भांबूरकर सर, वो थोड़ा उनका नेचर ही सीरियस काइंड का था, तो वहाँ गए एक बार, बोला सर आते क्या, सर बोले नहीं एकदम फिल से, दूसरे बार वापस सर आते क्या, नहीं, तीसरे बार और बोला, आखिरी बार पूछ रहे सर आते क्या, बोले नहीं, चलो उठाओ रे, वो उठा के लेके आ गए। फिर उसके बाद में सर भी फ्लो में आ गए, मैं कुछ ज्यादा ही फ्लो में आ गया था, तो मैं क्या किया मालूम है क्या, स्टेज काफी बड़ा था, 20-21 फीट की हाइट थी, चढ़ गया ऊपर, ऊपर ऐसा बीच में लटक गया, वहां से ऐसा डांस कर रहा। फिर एक कोई टीचर एकदम बहुत ही ज्यादा रेज हो गए थे, उन्होंने वो बंद कर दिया, लाभ यार लटकते क्या कर रहा। जंप मार दिया नीचे, सच्ची वो समय ही अलग था, फुल टूस एंजॉय, याद करा ना साला, अर्थी जब जाएगी ना मेरी तो मेरे को ऐसा सेटिस्फेक्शन आएगा, अरे ऐश साला फुल ऐश, है ना। और आज पढ़ा रहा हूं ना, उसमें आपके लिए तो सही है ही, यानी आपको तो पढ़ना ही है, लेकिन कहीं तो भी मैं भी बड़ा एंजॉय कर ले रहा हूँ इसमें, आपको पता नहीं चल रहा हो, लेकिन मेरे को बड़ा मजा आता, एक आधे बार मूड खराब हो गया ना तो बस क्लास ले लो, वापस मूड अच्छा हो जाता मेरा। चलो एग्जाम्पल नंबर 98 आ जाओ, y इज इक्वल्स टू, बट इन सारे चीजों को बैलेंस करके आपको आगे जाना है, नहीं तो मेरे चक्कर में कहीं, हाँ आप मेरी तो कट गई। आपको बढ़िया अच्छे लेवल पे जाने का है,
मुझे अब क्वेश्चन 98 का कैसा लू मैं? अब मैं नहीं है क्या, ये खत्म करो, बहुत हो गया है। अब आ जाओ अगले इस पे, डी डी एक्स ऑफ नर्स अपॉन डॉक्टर है ना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डॉक्टर इंटू डेरिवेटिव ऑफ नर्स माइनस नर्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ डॉक्टर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डॉक्टर अपॉन डॉक्टर का होल स्क्वायर। अरे बोलो ना, सही है गलत है? सही है सर। है ना सर, ये क्या आप लिख रहे, थोड़ा सब ऊपर जा रहा है। पहले पहले बार फार्मूला अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। क्या है फार्मूला बताओ मुझे, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। सही है गलत है बोलो रे? सही है सर। सही है सर। चलो एग्जाम्पल नंबर 98 ना, एग्जाम्पल नंबर 98, y इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन ई रेस टू द पावर एक्स। बताओ रे कसो करायचं आता, पहले लिखो ना सर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सही है ना, बोलते भी नहीं बच्चे, ध्यान देना, लिखना बाद में, अभी सारे लोग पूरा कंसंट्रेशन। डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। सही है गलत है बोलो? सही है। अब एक एक चीज रिजॉल्व करो, ई रेस टू द पावर एक्स जैसा का वैसा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, वन माइनस एक्स जैसा का वैसा, ई रेस टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ई रेस टू द पावर एक्स अपॉन ई रेस टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर। सही है गलत है बोलो रे? 100% सही है सर। सही है सर। न्यूमरेटर में ई रेस टू द पावर एक्स कॉमन ले सकते हैं क्या, बोलो ना सर। हाँ सर। हाँ सर। बचेगा वन माइनस एक्स, हाउ कि नाउ, हाउ 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 सर, डिनोमिनेटर में जो ई रेस टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर है, टू स्क्वायर को टू इंटू टू लिख सकते, थ्री स्क्वायर को थ्री इंटू थ्री लिख सकते, तो ई रेस टू द पावर एक्स के स्क्वायर को ई रेस टू द पावर एक्स इंटू ई रेस टू द पावर एक्स लिख सकते ना। हाँ सर जी। हाँ, ई रेस टू द पावर एक्स ई रेस टू द पावर एक्स कैंसल, वन माइनस एक्स अपॉन ई रेस टू द पावर एक्स, किस्सा खत्म। सही है गलत है बोलो? सही है सर। सही है सर। हाँ ध्यान में आ रहा है ना आपके, लिख लिया आप लोगों ने? आयुष होलानी? नहीं सर। लिखो फिर, किसकी राह देख रहे? चलो मित्रों लिख लिया ना आप लोगों ने, बोलो ना। हाँ सर। हाँ ना सर, लिखा ना सर, अब कितने बार बोलने का सर तुमको, समझते नहीं बात को?
चिल्लाते आधी। एक मिनट दिखाओ। क्या बोल रहा है? एक मिनट दिखा बोल रहा है। दिखा बोल रहा है सर पीछे का वो। हाँ हो गया। थैंक यू सर। हाँ हो गया सर। केस। चारवीत आसानी, सुबह अब्सेंट थे। चारवीत आई? चारवीत आसानी आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। सुबह क्यों अब्सेंट थे? सर नींद नहीं खुली सर। अरे गायब हो गई क्या चारवीत आई? नहीं सर इधर ही हूँ। हाँ ऐसा ही थे ना, सही बोला ना तई मैंने? बोलो ना। नो सर। फिर क्यों नहीं आए सुबह 7 से 8 में? डांस प्रैक्टिस? जमाना खराब है, मैथ्स की प्रैक्टिस छोड़ के डांस की प्रैक्टिस कर रहे लोग। हाँ वाई इज इक्वल टू, सारे लोग बताए मुझे अगला क्वेश्चन कौन सा लेते रे? थोड़ा लेवल का लेना पड़ेगा अब। वाई इज इक्वल टू 2 raised to the power x अपॉन एक्स। वाई इज इक्वल टू 2 raised to the power x अपॉन एक्स। बताओ कस सॉल्व कराए? डिफरेंशिएट। कौन सा शिएट? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चारविता ही डांसिस था ना? यस सर। देखो है ना, डी वाई बाई डी एक्स। तुम डांस प्रैक्टिस कर लो सारे लोग, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी एक कंडीशन रहेगी, गुरु दक्षिणा में मेरे को डांस सिखाना पड़ेगा। क्या बोल रहा हूं मैं? अब कोई हाँ नहीं बोल रहे साले, सब जमाना खराब है। हाँ बताओ रे कस डिनोमिनेटर? अबे बोलो ना डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। सही है क्या रे? हाँ सर। सर सर एक्स इंटू 2 raised to the power x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है? 2 raised to the power x इंटू लॉग ऑफ 2 to the base e। सही है क्या? अरे बोलो ना। आंसर 2 raised to the power x इनटू x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x स्क्वायर। क्या कॉमन निकाल सकते रे आप? 2 raised to the power x कॉमन x इनटू log ऑफ 2 x इनटू log ऑफ 2 टू द बेस e माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वेर। किस्सा खत्म। हेच आमचं उत्तर। ध्यान में आ रहा है क्या सारे लोग? बताओ। हाँ सर। चलो मित्रों यहां पे हमने इसको जो लगाया हुआ है वो क्वेश्चन रूल लगाया। सेम प्रॉब्लम को हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते है ना, प्रोडक्ट रूल लगा के। कैसे सर? तो देखो है ना, अल्टरनेटिव तरीका है ना। क्या था क्वेश्चन? y इज इक्वल्स टू 2 raised to the power x अपॉन एक्स। मैं इसको ऐसा लिखता हूं, y इज इक्वल्स टू 2 raised to the power x इंटू 1/x। लिख सकता हूं क्या? अबे बोलो ना। हाँ या ना? अब ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। अब बताओ इसको क्वोशेंट रूल लगाऊं या प्रोडक्ट रूल लगाऊं? यहां पे हमने क्या किया था? इसको क्वोशेंट रूल लगाया था। क्वोशेंट रूल क्या बोलता है? डिनोमिनेटर क्वोशेंट रूल में जैसा बोला वैसा ही होगा, फिर अपने मन का नहीं होगा वहां पे।
है ना। क्वेश्चन रूल ने जहां बोला डेरिवेटिव लेना पड़ेगा तो लेना ही पड़ेगा, जहां नहीं बोला वहां नहीं लेना पड़ेगा। यहां हमने क्वेश्चन रूल में डेरिवेटिव क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन रूल में डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। बाबू तू इस बता, जिसका क्वेश्चन था कि है ना डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्यों नहीं लिया, तो बताओ यहां डेरिवेटिव लेने के लिए बोला था रूल ने, हाँ रूल ने जैसा बोला हम वैसा ही करेंगे, समझाना बेटा है ना। लेकिन अब यहां पे जो सिचुएशन है, यहां क्वेश्चन रूल नहीं सर, यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा, और प्रोडक्ट रूल का मजा और अलग है ना। क्या है प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएट, ये लिखना पड़ेगा ना, नहीं तो कुछ लोग चिल्लाएंगे मेरे नाम से, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहां पे dy by dx is equals to first function into derivative of second function plus second function into derivative of first function। बताए 2 raise to the power x into 1 by x का derivative क्या, 1 minus 1 upon x square। ये 1 by x जैसा का वैसा, 2 raise to the power x का derivative क्या जाएगा, 2 raise to the power x into log of 2 to the base e। हाँ क्या क्या कॉमन आ रहा है रे, 2x, 2 raise to the power x कॉमन ले लो, थिंक पॉजिटिव, पॉजिटिव टर्म पहले निगेटिव टर्म बाद में, तो 2 raise to the power x into log of 2 to the base e minus 2x कॉमन लिया ना। मैं देख रहा था आप लोगों का ध्यान है या नहीं, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, बराबर है ना। हाँ, तो ये 2 raise to the power x कॉमन ले लिया हमने, तो यहां पे क्या रहेगा, 1 by x into log of 2 to the base e minus 1 upon x square, सही है गलत है, अबे बोलो ना, सर इधर तो आंसर अलग है, इधर अलग है, ये दिखने में दोनों अलग दिख रहे हैं, लेकिन दोनों का है ना वैल्यू सेम ही है, ये एज गुड एज मेकअप करने के बाद में कैसा अलग वो कृष्ण भगवान बना देते है ना, और उसका निला दो उसको और वापस देखो तो बराबर जैसा का वैसा दिखता, वैसी बात है, ये सब दोनों सेम ही है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये भी ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। अबे बोलो ना, क्या सर, चलो मित्रों आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन लिया था रे हमने, 99। अब एग्जाम्पल नंबर 100, एग्जाम्पल नंबर कौन सा है 100, y इज इक्वल्स टू आ आ आ आ आ आता काय घ्यायचं आहे, x रेस टू द पावर 5/3, ज्यादा भारी हो रहा क्या रे, आसान करो, नहीं सर रहने दो, x raise to the power 5 upon log of x, जास्त भारी झालं काय रे, बोलो ना, नहीं सर, सर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसा नहीं लिख के आता, और आई तो भी फिर वही मेथड कर लेना, अभी दिल्ली दूर है तू टेंशन मत ले अभी है ना। हाँ बताए रे कस कराए, dy by dx is equals to denominator into derivative of numerator minus numerator
इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। बराबर है ना? देखो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर और लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर ये अलग अलग है, ध्यान रखना। कुछ बंदे इसमें गलतियां करते रहते है ना, लॉग ऑफ एक्स और स्क्वायर लिख देते। ये एक्स स्क्वायर और लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर दोनों अलग अलग है, समझा ना? अबे बोलते भी नहीं है बच्चे। हाँ, log of x into x raised to the power 5 का डेरिवेटिव क्या हो रहा है? 5 into x raised to the power 4। x raised to the power 5 का डेरिवेटिव क्या हो रहा है? x raised to the power 5 का डेरिवेटिव नहीं, ये तो जैसा का वैसा। log x का डेरिवेटिव क्या हो रहा है? 1 upon x, 1 by x upon log of x का होल स्क्वायर। सही है ना? सही है सर। तो ये क्या आ जाएगा? 5x^4 इंटू लॉग एक्स माइनस, यहां पे क्या आ जाएगा? x^4 लिख दू ना? नहीं, ध्यान में आया। a रेस टू दी पावर m अपॉन a रेस टू दी पावर n मंजे a रेस टू दी पावर m माइनस n x रेस टू दी पावर 5 अपॉन x। x यानी क्या है? पावर 1 है, तो ये क्या जाएगा? x रेस टू दी पावर 5 माइनस 1 यानी x रेस टू दी पावर 4। समझा? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। हाँ, अपॉन बोलो रे, अपॉन हेड रे, मैं पेन भी बदलना भूल जाता हूं, उम्र हो गई अब मेरी, हेड तेरी तो ये सही बोली, सच्ची उम्र हो गई अब मेरी, सन्यास ले लेना चाहिए अब मैंने। अभी तो आप 25 के हुए सर। अरे हाँ, ये बोला तूने। हाँ, अब बताओ क्या कॉमन लेना चाहिए रे हमने? x रेस टू दी पावर 4 कॉमन, बचेगा क्या? 5 log x माइनस 1 अपॉन log ऑफ x का होल स्क्वायर। सही है गलत है? सही है सर। सही है सर। हाँ, 100% सही है मेरे प्यारे क्लास वासियों। आगे बढ़ू क्या मैं? नहीं जाओ सर। हाँ, सेंचुरी कंप्लीट हो गई, रुक जाओ। अच्छा, सेंचुरी मार दिया तो रुक जाओ सर। ओके, जैसी आपकी आज्ञा। आपके आगे मैं आज तक कभी गया क्या? हाँ सर, है ना, आज तक का रिकॉर्ड है ना? टूट गए। चलो टाटा, बाय बाय, सी यू।